विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये विचार हमारे देशभक्तों के जज्बात के साथ शुरू होंगे, तो मैं देशभक्तों के जज्बात को अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ कि मन में क्रांति की अंगार को ज्वाला बनाते हैं, देह में देशभक्ति का रुतबावे सब जगाते हैं, जिसने जोड़ी है उम्मीदें धरा की प्रेम रक्षा में, ऐसे राष्ट्र भक्त भक्ति को अपनी शक्ति बनाते हैं। उस हार्ड मांस के पुतले का अभिमान जिंदा है, सरहदों पर जिम्मेदारी का संग्राम जिंदा है, दुश्मनों से द्वंद करते देशभक्तों में वंदे मातरम का उर्मे एक अरमान जिंदा है। उनके अंदर एक सौगात होती है, देशभक्त बनने की एक ललक होती है। वो कहते हैं कि जिंदा हूँ जवान बनकर, मरूंगा एक शहीद बनकर, सलामी देश मुझे देगा पुकारे देशभक्त कहकर, कफन तिरंगा ओढ़ूंगा भारत के आंचल में सोकर, माटी का कर्ज चुकाऊंगा इस पर बलिदान होकर। सन 57 से लेकर 47 तक आजादी का भीषण संग्राम हुआ। इस संग्राम में न जाने कितनों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये आजादी के संग्राम की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाती हूँ, अपने शब्दों में दिखाती हूँ कि मैं आई हूँ भारत वर्ष की गौरव गाथा गाने को, मैं आई हूँ भारत वर्ष की गौरव गाथा गाने को, रग रग में उल्लास भरे वीरों की कथा सुनाने को, मैं किस किस का गुणगान करूँ, सब अंगारों से भरे पड़े ज्वाला भीतर की फूट गई, न्योछावर हो गए खड़े खड़े। हर क्षण हर पल आजादी का ख्वाब उन्होंने सोचा था, सिंहनाद कर पुत्रों ने शत्रु का गला दबोचा था, मंगल तात्या तेरी खातिर लटक गया था फांसी को, सन 57 की ललकार उठी और मिला समर्थन झांसी को, कहीं खंग ढाल से खड़े रहे, कहीं तीरों का प्रहार किया, जान लगाकर बाजी पर शत्रु का संहार किया, मैं मर जाऊं पर बचा रहे सम्मान भारत माई का, मुझे याद है बलिदान मर्द मर्दानी लक्ष्मी बाई का, मुझे याद है बलिदान मर्द मर्दानी लक्ष्मी बाई का। भारतवर्ष जिसकी